शासन चुनाव ना होना सीधे सीधे बीसी का मानसिकता को दोहराता है। वह अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं अगर नहीं कराते हैं तो, और अगर करा दें तो एक छात्र को अपने प्रतिनिधित्व करने को मिलेगा, और उसके बाद जो घोटाले सामने आएंगे वो बात दूसरी है कि घोटाले में वह खुद गिर रहे हो, क्या क्या घोटाले हैं, जुबली हॉल हुआ, जेपी सभागार के घोटाले हुए, मूर्ति का घोटाला हुआ, कई ऐसी चीज़ें हैं आपके बोटानिकल गार्डन में को आपने नष्ट करके अपने गौशाला बना दिया। और फिलहाल किस संदर्भ में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? हम लोग आज छात्र चुनाव की मांग रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। समाजवादी छात्रों और एनएसआई एक साथ मांग कर रही है, और अगर नहीं करती है दीक्षांत समारोह से पहले तिथि घोषित नहीं करती है तो एनएसआई दल बल के साथ दीक्षांत समारोह का विरोध करेगी। आज तो हम चर्चा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के संबंध में हमने बुलाई हुई है। प्रातःकाल हमारी विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक, परीक्षा समिति के बाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक हो रही है। बाहर कौन बैठा हुआ है, कौन आ जा रहा है, ये तो मेरे अभी कोई संज्ञान में है नहीं। जहां तक छात्र संघ के चुनावों का सवाल है, गत वर्ष उत्तर प्रदेश के हम पहले विश्वविद्यालय थे, उन्होंने सबसे पहले हमने छात्र संघ का चुनाव कराया हुआ था। इस समय हमारे सामने 23, 24, 25 अक्टूबर को जो एक विषय के एक पेपर में फेल विद्यार्थी थे उनकी परीक्षा कराना, समय से परिणाम दे करके आगे का उनका भविष्य सुनिश्चित हो, इसमें ऊर्जा लग रही है। 29 अक्टूबर को विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, बाकी जो रूटीन विषय है विद्यार्थियों से संबंधित जो बाढ़ जो आ रहा है 29 के बाद इस पर बातचीत करेंगे।